हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विकास एंड आई होप यू डूइंग ग्रेट। आज का हूं मैं नई वीडियो के साथ, और अभी की वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी वीडियो जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। जैसा कि लास्ट के 3-4 वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने फीस ट्रांसफर की बात करी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे अपने फॉरेक्स एजेंट को यूज कर सकते हो, कैसे अगर फ्लाईवेयर से पेमेंट करते हो तो वहाँ पे लूलू फॉरेक्स का जो टर्म यूज होता है वो एग्जैक्टली कैसे प्रोसेस में आ सकता है और उसके क्या फायदे हैं अगर आप लूलू फॉरेक्स यूज करते हो, कितने आपके पैसे कटते हैं, कितना फॉरेक्स चेंज कर सकता है। इन सारी चीजों को मैंने अपनी वीडियोज में मेंशन किया है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जब भी आपने पैसे ट्रांसफर करते हो तो वहां पे एक टर्म आता है, दैट इज टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एंड सोर्स। टीसीएस को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आपने पैसे ट्रांसफर करते हो तो वहां पे 5% का टैक्स लगता है। वो टैक्स लगभग आपके 20-30-40 हज़ार रुपए तक भी लग सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दिस, क्योंकि आपका सिंगल सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड सेकंडली, अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात आती है टीसीएस। टीसीएस एग्जैक्टली होता क्या है? टीसीएस का मतलब होता है जब भी आपने नेटिव कंट्री से किसी फॉरेन कंट्री में पैसे ट्रांसफर करते हो तो वहां पे इंडियन गवर्नमेंट आपसे 5% के टैक्स की डिमांड करती है। वो 5% टैक्स कितने के ऊपर लगता है? जब भी आप 7 लाख के ऊपर पैसे ट्रांसफर करोगे तो वहां पे आपका 7 के ऊपर जितना भी अमाउंट होगा उसके ऊपर 5% टैक्स होता है। अब इसे बचने का तरीका क्या है? अक्सर जब भी आप अपने बाहर कंट्री में पैसे ट्रांसफर करते हो या पढ़ाई के लिए या किसी भी पर्पज के लिए पैसे ट्रांसफर करते हो तो लगभग 7 के ऊपर ही होता है। अब 7 के ऊपर के पैसे कैसे बचाने हैं? आपको अलग अलग अकाउंट यूज करने हैं। वो अलग अलग अकाउंट कैसा हो सकता है? आपको 2 अलग अलग पैन कार्ड अटैच अकाउंट को यूज करना है, जिसमें मैं ये बताऊं कि अगर मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं तो मैं अपने पेरेंट्स के अकाउंट को यूज कर सकता हूं, जैसे मैं अपने फादर या अपने मदर या ब्रदर सिस्टर किसी के भी अकाउंट को यूज कर सकता हूं। तो वहां पे क्या होगा कि अलग अलग अकाउंट से आपके जो अमाउंट है वो 7 लाख से एक्सीड नहीं करेंगे। अगर 12 लाख फीस है तो आप उसको 6 लाख में कर सकते हो, या अगर उससे भी ज्यादा है तो आप उसे 2-3 पार्ट में कर सकते हो। जब भी आप फीस ट्रांसफर करोगे तो लोगों की क्वेरी ये भी होगी कि अगर हम अलग अकाउंट से फीस पेमेंट करेंगे तो कॉलेज मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगा? देखिए, जब भी आप फीस पेमेंट करोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन आता है अपनी स्टूडेंट आईडी डालने का। आप अपने एक स्टूडेंट आईडी जो आपको मिलती है, यूनिक होती है, उसके बेसिस से आप अलग अलग अकाउंट से यूज भी करोगे तो वहां पे जो कॉलेज को फीस आएगी वो आपके नाम पे ही जाएगी। इसके बाद जो रिसीट निकलती है, या वो एक रिसीट हो या 2 रिसीट हो या 3 रिसीट हो, उसके बेसिस पे आप अपने वीजा फाइल लगा सकते हो, क्योंकि जो कॉलेज के साइड से आपको रिसीट आएगी वो पूरी एक ही होगी, जिसमें आपका पूरा फीस मेंशन होगा। अब बात करते हैं कि क्या मैं अपने अकाउंट को यूज कर सकता हूँ फीस पेमेंट के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने अकाउंट को यूज मत करिएगा। कैनेडा की गवर्नमेंट ये कहती है कि GIC के लिए आप अपना ही अकाउंट यूज करिए। तो अगर आप अपने अकाउंट से फीस पेमेंट करोगे तो ऑलरेडी 7 लाख के ऊपर जाएगा और आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। इसीलिए आप फीस पेमेंट के लिए अपने पेरेंट्स या अपने रिलेटिव का अकाउंट यूज करें, और GIC के लिए आप अपना अकाउंट यूज करें। और जब भी आप 7 के ऊपर नहीं करोगे तो ऑलरेडी आप टैक्स से बच सकते हो। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या मैं अलग अलग बैंक को भी यूज कर सकता हूँ या अलग अलग पैन कार्ड से अटैच? देखिए, बैंक मैटर नहीं करता है, आपका पैन कार्ड मैटर करता है। अगर आप डिफरेंट पैन कार्ड को यूज करते हो तो ऑलरेडी आप TCS से बच सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही हो। ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई चीज के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा।